लाखों गौ माता का संरक्षण करने का जो कार्य हो रहा है, भाइयों बहनों, उस कार्य ने इस पूरी धरा को देवताओं की भूमि बना दिया है, देवतुल्य बना दिया है और अवश्य उसका फल यहां प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, जालौर जिले से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं यहां पर श्री मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में और पूज्य बापू शांतिनाथ जी महाराज के साथ में कई बार उनके आश्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पे हमारा जो पूज्य संत समाज है, इनके सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों में जालौर में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जालौर की भूमि पर, नंदीशाला की इस पावन धरा पर आप सबको जन्म लेने और इस धरती के माध्यम से गौ माता की और नंदी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन मैं देवजी भाई जी भाई को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस चुनावी सभा के माध्यम से आप सबसे संवाद बनाने का अवसर दिया है। हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे, बाद में मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वहां के माफिया और अपराधियों को ठीक करने के लिए भेजा तो मैं तो वहां चला गया। लेकिन भाइयों बहनों, देवजी भाई जब भी दिल्ली में मुझे मिलते थे, जालौर की चर्चा मैं जरूर करता था, वह भी जालौर की चर्चा, साचौर की चर्चा जरूर करते थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके इस विधानसभा चुनाव में आपके साथ और साचौर की जनता के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है, उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो काम तमाम होता ही है, उसके आंका भी मार दिए जाते हैं। आज भारत के अंदर बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, हर घर नल की योजना के लिए पैसा, ये सब मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था राजस्थान में, वो पैसा कुछ चंद कांग्रेस नेताओं की जेब में चला जाता है। भाइयों बहनों, सड़कों पे गड्ढे हैं, जब यहां पे बाढ़ की अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान होता है तो
मुख्यमंत्री जी जयपुर के बाहर नहीं निकलते, कांग्रेसी नेता पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जगह घूमते रहते हैं, उनको जनता जनार्दन की सुध नहीं रहती। भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आस्था का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार में अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर एक पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर एक पर है, भ्रष्टाचार में नंबर एक पर है, साइबर क्राइम में नंबर एक पर है, गौ तस्करी में नंबर एक पर है और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर एक पर आ गया है। भाइयों बहनों अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी ने तो 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए,